दुले राय के बहादुर बेटे थे। स्वरूप सिंह जी, हम दौसा छोड़ के अपनी राजधानी यहीं बनावांगे, इसी पहाड़ी पर। बहुत लुभावनी जगह है और सुरक्षित भी। आपने सुना है सुड़ती हुई चील ने क्या कहा? स्वागत है, स्वागत है। ये जगह चील का टीला ही कहलावे है और ये इलाका मीणा परिवार के राव भट्टू के राज में पड़े है। पड़े है नहीं स्वरूप जी, पड़े था। राजा कांकिल को उस इलाके को फतेह करके राजधानी बनाने में देर नहीं लगी। कहा जाता है कांकिल देव ने पहाड़ की चोटी पर कांकिल गढ़ बनाया और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। लेकिन कहावत यह भी है कि मीणा परिवार की देवी अम्बा माता की निस्बत से यहां का नाम पहले से ही आमेर था। वैसे कहावतें हकीकतों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। यह भी कहा जाता है कि कांकिल देव के पिता दुले राय ही मशहूर प्रेम कहानी ढोला मारू के ढोला राय हैं। साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये एक ही वक्त में तैयार नहीं हुआ।
बल्कि हर हुक्मरान के साथ ये बढ़ता रहा, सजता रहा। इस दौर के कवि ने दर्ज किया है, पहुंचत भो आमेर में हुकुम भूप जैसा ही, महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही। जयगढ़ ताको नाऊंगे भाषिव फेरी नरेश, करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही बड़ा प्रेम का धनी भी है। तलवार से वो घायल करे, नैन से घायल हुए, तेग और भाले सब सहे, बैन से घायल हुए। शायद हर बड़े सूरमा में ये दोनों गुण साथ साथ ही पलते हैं। कछवाहा खानदान के हर हुक्मरान ने इन्हीं गुणों से आमेर की परवरिश की। कछवाहा खानदान के छठे हुक्मरान पजवन एक ऐसे ही सूरमा थे। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए कहा जाता है कि युद्ध में वो शत्रुओं की फौज से ऐसे काटते पीटते गुजर जाया करते थे जैसे कमल के तालाब से कोई हाथी गुजर जाए। हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और दरिया दिली की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी, इसलिए लूटमार के लिए हमलावर बार बार यहां आने लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक नई शुरुआत थी। फारसी, यवन, शक, हूं, तुर्क, मंगोल, अफगान कितने हिंदुस्तान को फतेह करने आए और लूटपाट आगजनी करके चले गए। एक के बाद एक खिलजी, तुगलक और लोदी आए, उनकी बादशाहतें बनी और उजड़ गईं। लेकिन न तो जमीन यहां से हिली और न ही हिंदुस्तान फतेह हुआ, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, सभ्यता और जमीन ने उन्हें फतेह कर लिया और यहीं रख लिया। उनकी आइंदा पुश्तें यहीं दफनाई गईं। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो इतिहास ने एक बार फिर करवट ली जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ, हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल कंधों पर चढ़े आ रहे थे। दाएं तरफ से पीछे मुड़के देखें तो उनकी तोपें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। बाबर के हौसले बुलंद थे। उधर मेवाड़ के राणा सांगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज सहित कई राजपूत राजाओं को भारी संकट की आहट सुनाई दे रही थी। 17 मार्च 1527 में राजपूत और मुगल फौजें खानवा के मैदान जंग में आमने सामने हुई। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा। फतेह बाबर की हुई और मुगलिया बादशाहत की नींव पड़ी। आमेर के राजा पृथ्वीराज बहुत धार्मिक ख्यालों के थे। उनकी एक शादी बीकानेर के राजा लूणकरण की बेटी बालाबाई से हुई, जिन्हें राजस्थान के इतिहास में मीरा के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बालाबाई और पृथ्वीराज दोनों श्री कृष्णदास पायहरि के शिष्य बने।
श्री कृष्णदास रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख और आमेर राजघराने के गुरु बने और आज तक हर शुभ काम में इनको याद किया जाता है। इतिहास में सदियां पांव तले से खिसकती धूप की तरह निकल जाती हैं। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल हिंदुस्तान में अपनी सत्ता जमा चुके थे। हिंदुस्तान एक भक्ति भाव से गुजर रहा था। कृष्ण भक्त रहीम और रसखान ब्रज भाषा में दोहों की रचना कर रहे थे। ऊपर पंजाब में नानक की आवाज सुनाई दे रही थी। गगन में थाले रव चल दीपक बने तार कमंडल जनक मोती धूप माल आन लो पवन चमरो करे सकल बन राए फुलंत ज्योति कैसी आरती कैसी आरती हुई अब खंडना तेरी आरती अनहता सबद वाजंत तेरी कैसी आरती हुई अब खंडना तेरी आरती में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। राजस्थान में रविदास और मीरा का एक तारा गूंज रहा था। और अमन की भावना हवा में रच गई थी। सियासत में भी दोस्ती और समझौतों की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना जंगी रोकने का यही एक तरीका था। ख्वाजा जी ख्वाजा जाऊं मैं तो पैवारी रे मोरी ऐसी चुनर रंग अकबर बादशाह जब सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सजदा करने अजमेर जा रहे थे तो सांगानेर में राजा भारमल के एहसान मंद मजनू खां चगताई ने राजा भारमल को अकबर के दरबार में पेश किया। जहां पर आम ये आमेर के राजा भारमल हैं, राजपूतों में कछवाहा कौम के मुखिया सरदार, तहजीब याफ्ता नेक बहादुर अदब परस्त इंसान हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये आपके जेरे साए में रहें। बहुत खूब। बादशाह बाबर ने फरमाया था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए निहायत जरूरी है
कि यहाँ की हर कौम की तहजीब, उसका मजहब, उसकी रिवायत, इन सब को इज्जत की नज़र से देखते हुए बगैर किसी छेड़छाड़ किए उन्हें महफूज रखा जाए। हर आवाम की ख्वाहिश, उसकी उम्मीद को पूरा किया जाए, हम भी यही चाहते हैं। राजा भारमल, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, फरमाइए आप क्या चाहते हैं? जहां बना, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूं। अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम पुश्त दर पुश्त आपके और आपके खानदान के वफादार रहेंगे। हमें आपकी वफादारी पर पूरा यकीन है और ये रिश्ता बाइज्जत मंजूर करके हमें बेहद खुशी होगी। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका आजम होंगी और उनका खिताब मरियम उज़ ज़मानी होगा। 6 फरवरी 1562 सांभर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई। सांभर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा। जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपनी वसीयत में किया था, बादशाह अकबर ने उसे बखूबी अंजाम दिया। कछवाहा हुक्मरानों और मुगलों का यह पहला समझौता था जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उसी रिश्ते से वो राजपूत मुगल पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का वली अहद बना और इतिहास में जहांगीर कहलाया। अकबर के महलों में ईद के अलावा जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्योहार भी मनाए जाते हैं। 14 भुवन में उजागर है ये कोकिल सदानंद किशोरी मृगनयनी ही महिमा प्यारी हे चंद्र बदनी सदानंद किशोरी अब तो देखो वाली पूरी के लत नंदलाल रे
धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भारमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए। राजा मानसिंह अकबर के नौ रत्नों में से एक थे और उनके सबसे बड़े सेनापति। संस्कृत, फारसी, राजस्थानी और हिंदी के विद्वान। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दरबार की तरह आमेर भी विद्वानों, कवियों और दानिशों से भर गया। मानसिंह के जमाने में कलाओं का अद्भुत मिलन हुआ और यह भी हुआ कि रानियों के बैठने का भी प्रबंध किया गया और उनके पर्दे के लिए जालियां लगवा दी गई।